तो भाई दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आप सुन के थोड़ा सा भयभीत हो जाइए। तो चलिए वीडियो के स्किप ना करते हुए आज की स्टोरी हमारे लिए सुने जोमैटो जो एक डिलीवरी बॉय ऐसी जगह गया था दोस्तों कि मैं आपको बता। दोस्तों जैसा कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, हमें एक ऐसी जगह रात में गया था दोस्तों जहाँ पे कोई नहीं, सन्नाटा है। तो दोस्तों चैनल मैं बता दूं कि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मैं वहाँ चलता हूँ जहाँ आपको देख लिया था। मैंने आपको वो वीडियो दिखा दिया कि इतना डरावना जगह मैं गया था दोस्तों कि वहाँ जाने के बाद अंदर से जो मेरा डर इतना लग रहा था दोस्तों मैं आपको बताने से। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे नए नए जितने भी डिलीवरी पार्टनर है और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी अनजान जगह जाते हैं जहाँ उसका कुछ भी अनुभव नहीं होता है। दोस्तों मैं बता दूँ कि अगर जितने भी राइडर हैं नहीं हुए अगर कहीं भी जाए रात में तो सबसे पहले वो जगह का जानकारी ले लेते हैं कहाँ जाना है तभी वहाँ पे जाए, नहीं तो अनजान जगह इसी नहीं जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाए। जिस तरह मैं वहाँ गया था दोस्तों, वहाँ तो गया उसके बाद दिमाग काम नहीं किया कि इस तरह मैं वहाँ थोड़ा सा वीडियो शूट किया वो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज का हमारा जो ब्लॉग रहेगा स्टोरी हॉरर स्टोरी थोड़ा सा अच्छा लगा होगा कि मैं इतने खतरनाक जगह गया था दोस्तों, बहुत ही डरावना वहाँ कोई नहीं था। तो लास्ट में जो वो ऑर्डर है दोस्तों वो कैंसिल हो चुका था क्योंकि कस्टमर जो है थोड़ा सा बिहेवियर सही नहीं था उसका अभी, तो वो ऑर्डर मैंने कैंसिल करवा दिया। उसके बाद घर पे आके सो गया। उसके बाद मैं सोचा ये जो स्टोरी में सब हुआ है इसे मैं मतलब किसी को बताऊं ताकि उसे मतलब लगे कि हाँ ये रियल घटना है। दोस्तों जोमेटो में जितने भी काम कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए है दोस्तों कि अगर कहीं भी काम करें तो थोड़ा सा जगह के बारे में जान ले, रात में 2 बजे तक काम कर रहे लोग लिए कि कहीं भी जाएँ तो थोड़ा सही से संपर्क हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। और लौटेंगे तो जय हिंद जय भारत।